तो मान लो कि आपके पास 500 करोड़ रुपए मान लो, और इतने सारे रोकड़े को लेकर आपको एक बहुत ही तगड़े VFX वाली मूवी बनानी है जो कि रामायण जैसी एपिक पे बेस्ड होगी। अब मान लो कि आपने उस पिक्चर को बनाने के लिए एक सुपरस्टार बहुत ही बड़े एक्टर को कास्ट कर लिया, एक्ट्रेस भी अच्छी कास्ट कर ली, साइड के छुटपुट रोलों के लिए भी ठीक ठाक एक्टर कास्ट कर लिए, रावण के रोल के लिए भी अच्छे एक्टर को कास्ट कर लिया, लेकिन लेकिन पिक्चर बनाने में हक दिया। जब VFX की बात आई, हक दिया। जब लोगों को उस पिक्चर का टीजर आपने दिखा है, तो लोग उसी VFX पे गाली बक करके आपको उन्हीं पैसे का हिसाब मांगने लग गए कि किधर खर्च कर दिया तुमने। तो ऐसे में ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना, बहुत ज्यादा मुश्किल। आपकी हर एक मूव बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होनी चाहिए कि आप यहाँ से क्या करते हो। सबसे पहले तो इतनी महंगी मूवी को अब आप बचाओगे कैसे, तो उसके लिए इन्होंने मूवी को डिले कर दिया, जो एक ठीक ठाक स्टेप था। ऑल्दो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इस पे कैसे काम करके इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम VFX पे काम करेंगे, हम मूवी की कुछ एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करेंगे, जो कि एक बढ़िया स्टेप था। एंड आई वॉज होपिंग, भाई मैं दिल से उम्मीद कर रहा था कि ये इस पे काम करके इसको इम्प्रूव करेंगे। और अपन देखो सारे के सारे जजमेंट रिजर्व करके रख लेते हैं जब तक अपने को कुछ देखने को नहीं मिलता। तो रामनवमी पे इन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया जो कल ही हमें देखने को मिला, एंड इसको देख के टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी इंप्रूव हुआ है। मतलब जो इसका फर्स्ट टीजर हमने देखा था, ऐसा लग रहा है कि वही की वही सारी की सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके इधर दे दी गई है। अब देखो पर्सनली अगर मेरे पास 6 महीने हैं और मुझे थोड़ा सा बजट मिला है किसी मूवी को इंप्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं अपने VFX डिपार्टमेंट को कहता कि भाई देखो नए बंदे लाओ जिनको अच्छे से काम करना आता है, और उनके साथ मिलकर के काम करना सीखो और कुछ नई चीजों पे काम करो, जो वर्क नहीं कर रही है उनको इंप्रूव करो। बट बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसे इंप्रूव हुआ है। एंड अगेन जो हमने टीजर में प्रॉब्लम देखी थी वो पूरे के पूरे पोस्टर में देखकर समझ में आ रही है। लाइट सोर्स कहां पर है ये समझ में नहीं आ रहा, शैडोज कहां बन रही है बिल्कुल अते पते नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि लाइट सोर्स इनके पीछे है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऐसा लगता है कि हर इंसान अपने आप में अपना खुद का लाइट सोर्स है। एंड टू बी ऑनेस्ट द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस पोस्टर इज इन सब लोगों का पोज, भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी जिस पोस्चर में है, ये बहुत हद तक वही पोस्चर है जो हम इनके एक्चुअल पेंटिंग्स और डिपिक्शंस में देखते आए हैं, जो हमारे घरों में लगे हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इन्होंने किसी चीज पे काम किया है तो वो हो सकता है कि अपने रिसर्च वगैरह पे किया हो, ताकि हमको हिस्टोरिकली एक्यूरेट चीजें प्रोवाइड कर पाए, ताकि इनको प्रमोशन के टाइम पर ऐसे बैकलैश ना पड़े। क्योंकि इस पोस्टर को देख के मेरे मन में जितनी भी शंकाएं थी वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है, फोटोशॉप बहुत ही ज्यादा हिला हुआ है, लाइट सोर्स बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। और सच बताऊं अगर ये लोग सीरियसली VFX पे काम कर रहे होते ना, तो एक अच्छा पोस्टर डिलीवर करना इनके लिए एक बहुत छोटी बात होती, बहुत छोटी। फैन मेड पोस्टर्स इनसे ज्यादा अच्छे होते हैं। बट इस पोस्टर को देखने के बाद मैं सच में बहुत ज्यादा डाउट में हूं कि एक्चुअली मूवी के VFX पे कितना काम हो रहा होगा, मूवी पे कितना काम हो रहा होगा। और हाँ, इन लोगों ने मूवी की रिलीज डेट को देके एक नया अपडेट दे दिया है कि 16 जून को हमें एक्चुअली मूवी देखने को मिल जाएगी। उससे पहले टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा और भी काफी चीजें होंगी, प्रमोशनल मटेरियल्स। अब ये कौन बोल रहा है कि ये वाला पोस्टर भी मोबाइल स्क्रीन पे नहीं चौराहे पे देखने के लिए बना था? चौराहे पे टांगा है क्या किसी ने? खैर, तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। मैं वैसे पोस्टर वगैरह पे बात नहीं करता हूं, लेकिन सिंस ये आदि पुरुष है और कंटेंट भी है, तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं। आप मुझे बताना कि इस पूरे पोस्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि कुछ VFX पे काम हो रहा है? पर्सनली मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, FlickFirst पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले FlickFirst से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। फ्लैश के साथ आ रही है मूवी बाय द वे।